अगर आप SEO को अपना करियर चूज़ करना चाहते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन हो सकता है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह से आप SEO के करियर को अडॉप्ट कर सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी किसी एक करियर में हैं या आप एक स्टूडेंट हैं एंड यू वॉन्ट टू मेक श्योर दैट SEO इज़ अ गुड करियर फॉर यू। तो कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, सबसे पहले आप इसको पार्ट टाइम भी स्टार्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आपको अपनी फुल टाइम जॉब अगर आप कर रहे हैं तो उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एक साइड बिजनेस इसको स्टार्ट कर सकते हैं जब तक कि एक फुल बिजनेस में ग्रो नहीं हो जाता। सेकंड, आपको कंटेंट प्रोड्यूस करना आना चाहिए। दैट मींस आपको एक स्किल है जो बहुत जरूरी है और आई थिंक के हर स्टूडेंट बचपन से लेके उस चीज को सीखता आ रहा है, एंड दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज। सो आपकी जो इंग्लिश पे कमांड है वो अगर बहुत अच्छी भी नहीं है, एटलीस्ट नॉर्मल है, स्टिल यू कैन डू बेस्ट बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी जो स्किल है वो इंप्रूव होगी। एंड अगेन, इसके लिए कोई अलग से कोर्स करने की जरूरत नहीं है, इट कैन गो अलॉन्ग व्हाइल इंप्लीमेंटिंग ऑल द SEO फैक्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी है। दैट मींस कि अगर आपके पास सिर्फ डेली के 2 से 3 घंटे हैं इस काम को देने के लिए, दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू बिकॉज यूजुअली आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है एक SEO के बिजनेस को, एक ब्लॉग को रन करने के लिए, उसको एक एसेट में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप डेली 2 से 3 घंटे कंसिस्टेंटली फॉर एटलीस्ट 3 to 4 months कॉन्टेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपका वो एक ऐसा एसेट बन जाएगा जिसकी वर्थ 50 लाख से 1 करोड़ के दरमियान में हो सकती है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, लर्न वाइल इंप्लीमेंटिंग। तो जैसे जैसे आप इंप्लीमेंटेशन करेंगे साथ साथ आपकी लर्निंग होती जाएगी। लर्निंग के लिए जो सबसे बेस्ट रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हैं वो हैं YouTube एंड पॉडकास्ट ऑफ इंटरनेट मार्केटर्स। इन केस आप ज्यादा क्यूरियस हैं, देन फाइंड अ मेंटोर। फॉर एग्जांपल, मैंने रिसेंटली अपना एक कोर्स स्टार्ट किया है SEO का और अल्हम्दुलिल्लाह से विदिन 2 months मेरे स्टूडेंट्स की जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो ये ऑप्शन उन लोगों के लिए जो फास्ट रिजल्ट गेट करना चाहते हैं, बट अगेन इट्स एन ऑप्शन, जरूरी नहीं है आपके लिए। तो SEO में अगर आपको करियर बनाना है तो उसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको रियल लाइफ एक्सपेक्टेशंस सेट करनी पड़ेंगी। उसकी रीजन ये है कि जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से डिसअपॉइंटमेंट फेस होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको क्विकली रिजल्ट्स नहीं मिलते। और जब आप कुछ दिन मेहनत करेंगे तो आपका माइंड फीडबैक की तलाश में रहेगा कंटिन्यूअसली कि जो काम आपने किया है क्या वो ठीक था या गलत था, क्या उसका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो इस तरह की वसवसों में मुब्तला रहता है ह्यूमन माइंड, तो इसलिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, अदरवाइज आप बहुत जल्द क्विट कर देंगे इस चीज को। आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम जब आपका ब्लॉग एक एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा, देन आप चाहें तो आप अपनी जॉब को जो इसके साथ आप कर रहे थे उसको क्विट करके आप फुल टाइम इसको लेके जा सकते हैं, या फिर आप इस ब्लॉग को फ्लिप कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपका ब्लॉग $1,000 पर मंथ जनरेट कर रहा है, आप इजीली उसको एम्पायर फ्लिपर्स या फ्लिपा पे जाके $40,000 तक सेल कर सकते हैं, विच इज अराउंड 1 करोड़ रुपीज PKR। तो बस यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।